अथ श्री दुर्गा सप्तशती। आज के इस वीडियो में हम पांचवें दिन का पाठ करेंगे। पांचवें दिन दो अध्याय क्रमशः नवम एवं दशम अध्याय का पाठ किया जाता है। नवमो अध्यायः निशुंभ वध ध्यानम्। ओम बंधुक कांचन निभम रुचिराक्ष मालाम पाशांकुशोच वरदाम निज बाहुदंडैः विभ्राण मिंदु शकलाभरणं त्रिनेत्र मरधाम्बिकेशं निशं वपुराशयामि। राजा ने कहा, भगवन आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख शुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने छुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी जिसमें 8 चांद जड़े थे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठा लिया किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन खड़ा रह खड़ा रह, तभी आकाश मंडल में खड़े देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। राजन उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने
और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कूपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथों में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले शुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खंग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थूथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। श्री दुर्गा सप्तशती नवमो अध्याय संपूर्णम्। दशमो अध्यायः शुंभवध ध्यानम्। ओम उत्तप्त हेम रुचिराम रविचंद्र वन्नि नेत्राम धनुष्शर्युतांकुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखां। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कूपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूं। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहां उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूं, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयंकर प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने
100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। तिस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ा। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। श्री दुर्गा सप्तशती दशमो अध्याय संपूर्णम्।